आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ शाहक होम सीरीज़ की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द डेवल्स फुट तो सुनते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में कहानी की शुरुआत होती है जब शाहक काफ़ी बीमार दिखाया गया है उससे इतना ज़्यादा मेंटल टेंशन है मेंटल स्ट्रेस है कि डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी समय इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है बहुत ज़्यादा जिद करने पर वॉटसन शर्लॉक को लेके कॉर्नवल नाम की एक जगह पे आता है जो समुद्र के किनारे है वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है स्प्रिंग है मार्च का महीना है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है लेकिन वहाँ पर भी मुसीबत को शर्लॉक का पीछा नहीं छोड़ना था अगले ही दिन वहाँ के जो लोकल विकार होते हैं जो चर्च में काम करते हैं मिस्टर राउडी वो वहाँ के मकान मालिक जहाँ पे शलोक लोग रुके हुए हैं मिस्टर मोटिमर लेके के शर्लोक के पास आते हैं मिस्टर मोटिमर काफ़ी परेशान लग रहे हैं कहते हैं वो शर्लोक से कि हम लोग बहुत लकी हैं कि इस समय आप यहाँ पर हैं और ऐसी मुसीबत हम लोग पे आ गई है मालूम पड़ता है कि मिस्टर मोटिमर के तीन भाई बहन थे दो भाई और एक बहन और अचानक से उनकी बहन की मृत्यु हो गई है जिस कंडीशन में इनकी बहन की मृत्यु हुई है वो बहुत ही अजीब व गरीब है रात में ये तीनों बैठ के टेबल पर ताश खेल रहे हैं और जब सुबह जाती है मेड वहाँ पर तो ताश के पत्ते वैसे के वैसे बिछे हुए हैं और जो बहन थी इनकी जिसका नाम ब्रेंडा था वो वहाँ मरी पड़ी है बैठे बैठे ही वो मर गई है जबकि उसके दोनों भाई जॉर्ज और ओवन वो वहीं बैठे हैं और पागलों की तरह हंस रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो कहते हैं मिस्टर मॉर्टिमर शाह से कि पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये किसी भूत प्रेत के कारण ऐसा हुआ है शलोक कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ लेकिन अगर ये ह्यूमन किसी कोई ह्यूमन इन्वॉल्ड है इसमें तब मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा खैर शाह उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर ये तीनों भाई बहन बैठे हुए हैं ब्रेंडा की लाश वहीं पर रखी हुई है अकड़ी हुई है और उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि इसने इतना डरावना कुछ देख लिया है कि डर के कारण ही इसकी मौत हो गई है जबकि उसके दोनों जो भाई हैं वो पागलों की तरह से जा रहे हैं थोड़ी देर में ब्रेंडा की लाश को वहाँ से हटा लिया जाता है और दोनों भाई को पागल खाने ले जाती हैं टीम डॉक्टर्स की आकर वो दोनों बेतहाशा कभी हंसते और कभी ज़ोरों से रोते और कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं थे शर्लॉक ध्यान देते हैं कि फ़ायर प्लेस में रातें आग जलाई गई थी पूछते हैं शर्लॉक कि जब स्प्रिंग का महीना है ठंड नहीं है तो फिर आग जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मिस्टर मोटिमर बताते हैं कि पिछली रात ही पानी बरसा था मौसम में हल्की ठंड थी इसीलिए उन लोग ने आग जलाई थी शर्लॉक देखते हैं चारों तरफ खिड़कियाँ खुली हुई हैं कमरे में ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि मालूम पड़े कि हत्या कैसे हुई कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता वो बोलते हैं अभी इससे ज़्यादा वो कुछ भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए वॉटसन के संग वो वहाँ से चले जाते हैं हालांकि शलॉक का दिमाग पूरे टाइम इसी केस में उलझा रहता है दो चार रोज में ही वहाँ पर उनसे मिलने डॉक्टर लियोन आते हैं वो एक्सपेडिशन पे गए हुए थे साउथ अफ्रीका वो एक डॉक्टर हैं जो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा ब्रेंडा की डेथ के बारे में वो वहाँ से दौड़े दौड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि ये तीनों जो भाई बहन थे इनके बहुत गरीब थे और शलोक से पूछते हैं कि आपने क्या कुछ निकाला है निष्कर्ष की कैसे मौत हुई इनकी शलोक उस समय कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं थे जिससे गुस्सा भी हो जाते हैं डॉक्टर लियोन कहते हैं आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं जब आप लोग कोई भी नतीजे पर नहीं आए मैं ही इस केस में अब छानबीन करूँगा कह के वहाँ से चले जाते हैं डॉक्टर लियोन काफ़ी लंबे चौड़े आदमी थे जिनकी खिचड़ी दाढ़ी थी और उनकी हाइट जो थी वो बिल्कुल छत तक पहुँच रही थी एक बार तो वॉटसन उन्हें देख के थोड़ा डर जाता है सर लोग बार बार उस जगह पर जाते थे जहाँ पर ही तीनों भाई बहन मरे थे लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर उनके सामने दोबारा आ जाती है मिस्टर मोटिबर की भी डेथ हो गई है बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ब्रेंडा मरी थी उसी कमरे में बैठे हैं मिस्टर मोटीमर और वैसे ही कुर्सी पे बदन ऐट के उनकी डेथ हो चुकी है शोलोक को समझ भी नहीं आता आखिर हो क्या रहा है जब शोलोक वहाँ जाते हैं तो फिर देखते हैं कि एक लैंप वहाँ पर रात में जलाया गया था और सब खिड़कियाँ अभी बंद थीं शोलोक कहते हैं वॉटसन से कि तुमने ध्यान दिया था जब रेंडा मरी थी तब भी आग जलाई गई थी और आज ये देख रहे हो लैंप और यहाँ राख गिरी हुई है कहते हैं वॉटसन कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पहले तो लगता है शलॉक को कि ये जो खास तरह का तेल यूज़ हुआ है लैम्प जलने में ये चर्च से आता है तो ऐसा तो नहीं कि इस तेल में कुछ ऐसा केमिकल मिला हुआ है जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है शलॉक कहते हैं वॉटसन से कि सुनो वॉटसन तुम्हें एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट में, में मेरा साथ देना होगा वॉटसन तो हमेशा ही साथ देने को तैयार रहता था एक कमरा चूज़ किया जाता है और वो ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट शलोक करते हैं दरअसल टेबल पे जो राख गिरी मिली थी शर्लॉक को जहाँ पर मिस्टर मोटिमर की मौत हुई थी शर्लॉक वो राख थोड़ी सी उठा के ले आए थे वो कहते हैं वॉटसन से कि उन्हें शक है कि इस राख में कोई ऐसा केमिकल मिला है जिससे लोगों की मौत हो रही है जब उस रात व आग जलाई गई तो ज़रूर ये जो केमिकल मिली राख है ये उस आग में डाल दी गई क्योंकि ब्रेंडा जो थी वो थोड़ी इमोशनल थी वीक थी इसीलिए शायद उनकी मौत हो गई और उनके भाई जो थे वो पागल होकर ही रह गए ये तो तभी प्रूव किया जा सकता है जब खुद ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटलॉग अपने और वाटसन के ऊपर करेंगे सारी खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं और एक आग जलाकर उसके ऊपर वो राख डाली जाती है पहले तो कुछ नहीं होता फिर वॉटसन को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं उसे ऐसा लगता है कि उसकी आंखें बाहर निकल आई हैं और उसका सर ज़ोर से घूम रहा है उसे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा खुला और कोई प्रेत आत्मा जैसी चीज़ अंदर आई जो उसकी तरफ आते ही जा रही है और उसके सर पर सवार हो जाएगी तभी उसे सामने शार दिखता है वह शारलॉक को ज़ोरों से हिला रहा है पकड़ के लेकिन शार को जैसे वो होश में नहीं है तभी अचानक वॉटसन को ना जाने कहाँ से ताकत आती है और वह तेज़ी से शार को ले दरवाज़ा हुए बाहर जाता है बाहर जमीन पे ये दोनों गिर जाते हैं और दोनों का सर ऐसा घूम रहा था जैसे इन्हें पता ही नहीं था कि ये कहाँ पर हैं दस पंद्रह मिनट के बाद ये होश में आते हैं और शर्लॉक वाटसन से कहता है कि मुझे माफ कर दो वाटसन मैंने बहुत बड़ी गलती की एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारे ऊपर मैंने तुम्हारी जान को भी खतरे में डाल दिया वाटसन कहता है कि नहीं नहीं शारोक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ तू मेरा जिगरी दोस्त है दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था और मुझे अब यह भी मालूम पड़ चुका है कि मिस्टर मोटिमर की हत्या दरअसल किसने की है लेकिन इसके लिए वो डॉक्टर लियोन से मिलना चाहते हैं वही डॉक्टर लियोन जो कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से आए थे डॉक्टर लियोन उनसे मिलने आते हैं तो शाहक उनसे कहता है कि पहले तो आप ये बताइए कि आपने मिस्टर मोटिमर की हत्या क्यों की डॉक्टर लियोन चौक जाते हैं व शलोक को अनाप शनाप कहने लगते हैं कहते हैं तुम्हें कुछ इन्वेस्टिगेट करने को नहीं मिला तो तुम सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहे हो शर्लॉक कहते हैं कि देखिए हमें वो राख मिल चुकी है जिससे ये हत्याएँ हो रही हैं और हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि उस रात आप मिस्टर मोटिमर से मिलने गए थे हालाँकि मुझे पता है कि ब्रेंडा की हत्या आपने नहीं की आप ख़ुद बताएंगे या पुलिस को मैं इंफॉर्म करूँ डॉक्टर लियोन रोने लगते हैं वो बताते हैं कि ब्रेंडा से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन क्योंकि वो अभी ऑलरेडी मैरिड थे इसीलिए वो ब्रेंडा से शादी नहीं कर सकते थे वो अपनी पत्नी को बहुत जल्दी जल्द तलाक देने वाले थे और ब्रेंडा यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही थी मिस्टर मोटिबर एक बार साउथ अफ्रीका मिलने आए थे डॉक्टर लियोन से तब डॉक्टर लियोन ने उस खास तरह की जड़ी बूटी के बारे में बताया था मिस्टर मोटिमर को जो वहाँ पर नई नई डिस्कवर की गई थी और उसे बहुत ढका छुपा के रखा गया था किसी को भी उसके बारे में बताया नहीं गया था ये जो जड़ी बूटी थी ये थी द डेवल्स फुट इस पत्ती का जो आकार होता है वो डेविल के फुट जैसा होता है जैसे ऊपर तस्वीर में आप देख सकते हैं डेविल का जो फुट है लंबा पतला सा बिल्कुल इसी आकार की होती है वो पत्ती और उसका जब चून बनाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता, होता है और पॉइजनस होता है और हेलुसिनेशन करता है आदमी के अंदर उसे अगर सूंघ लिया जाए बंद कमरे में तो आपका जो डर वाला भाग है दिमाग का उसको वो एक्टिवेट कर देगा और इतना ज़्यादा आप डरेंगे कि आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगी ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा आपको बचित्र बचित से चीज़ें दिखने लगेंगी और थोड़ी ही देर में आपकी मौत हो जाएगी बताते हैं डॉक्टर लियोन कि जब मिस्टर मोटिमर उनसे मिलने आए तब उन्होंने वह राख उसको दिखाई थी कि देखो ये पॉइजनस है लेकिन कब आंख चुरा के उन्होंने थोड़ी सी राख उसमें से अपने पास रख ली डॉक्टर लियोन ये जान नहीं पाए मिस्टर मोटिमर का अपने भाई बहनों से कोई विवाद था ज़मीन के पीछे किसी प्रॉपर्टी के पीछे और वो उन तीनों से छुटकारा पाना चाहते थे उन्होंने उस दिन जलती हुई लकड़ी में वो राख डाल दी और दरवाज़े खिड़की बंद कर दिए ब्रेंडा क्योंकि इमोशनली थोड़ी वीक थी इसके लिए उस पर असर ज़्यादा हो गया हालांकि उसके भाई दोनों सिर्फ पागल होके ही रह गए जैसे ही डॉक्टर लियोन को मालूम पड़ा ब्रेंडा की मौत के बारे में और किस तरह से ब्रेंडा मरी है उन्हें मालूम पड़ गया कि मिस्टर मोटिमर ने वो राख चुराई थी और उसका गलत प्रयोग किया है वो तुरंत वापस आए लौट के और मिस्टर मोटिमर से उनकी अच्छी खासी बहस हुई तब इन्होंने पक्का किया कि मैं अपना बदला लेके रहूँगा क्योंकि कानून के ऊपर इनको विश्वास नहीं था इन्होंने मिस्टर मोटिमर को उस दिन ड्रिंक पिलाया और फिर कमरा बंद कर दिया और गन पॉइंट पे यह राख चला के उसका धुआं उनकी नाक में ज़बरदस्ती इनहेल कराया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए मिस्टर मोटिमर की भी वैसे ही दर्दनाक मौत हुई जैसे ब्रेंडा की हुई थी ये सब कह के डॉक्टर लियोन चुपचाप बैठ जाते हैं और शलोक से कहते हैं कि अब जो भी आप ठीक समझें वो करिए मुझे कानून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था मुझे ब्रेंडा की मौत का बदला खुद से ही लेना था इसलिए मैंने ये सब किया श्लोक पूछते हैं डॉक्टर लियोन से कि अगर शलोक उन्हें नहीं पकड़ पाता तो अब उनका क्या प्लान था कि डॉक्टर लियोन कहते हैं कि वो चुपचाप साउथ अफ्रीका वापस लौट जाने वाले थे शर्लॉक थोड़ी देर सोचता रहता है और कहता है जैसा आपने प्लान किया था आप वैसा ही करिए आप अपने प्लान के मुताबिक साउथ अफ्रीका वापस लौट जाइए वॉटसन शर्लॉक को देख के चौक जाता है डॉक्टर लियोन वहाँ से चले जाते हैं शर्लॉक कहता है कि हम पुलिस की जो कार्यवाही है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे ये तो इन्वेस्टिगेशन हमने अपने पर्सनल तौर पे किया है देखते हैं पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है वो पुलिस को कोई भी लीड नहीं देंगे डॉक्टर लियोन के बारे में नहीं बताएंगे उन्होंने ब्रेंडा की मौत का बदला अपने हिसाब से ले लिया और कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिस बदला ऊपर वाला अपने हिसाब से ही ले लेता है इसके बाद शर्लॉक और वॉटसन वहाँ से चले जाते हैं पुलिस को कोई भी लीड नहीं दी जाती और शर्लॉक कहते हैं वॉटसन कि तुम इस केस के बारे में नहीं लिखोगे कोई भी चीज़ कई साल जब बीत जाते हैं और डॉक्टर लियोन की मौत हो चुकी है उसके बाद ही शारोक वाट्सन को इजाज़त देते हैं कि तुम इस केस के बारे में अब एक कहानी लिख सकते हो कहानी यहीं पे समाप्त होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे मौत हुई है ब्रेंडा की और क्या कुछ घट रहा है कहानी में आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल से सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ थैंक्स फॉर लिसनिंग बाय फॉर नाउ